तेजिला कंगना रानावत और महाराष्ट्र सरकार के भीतर विवाद। शिवसेना मुखपात्र संजय राउत को ओपन चैलेंज कले अभिनेत्री कंगना। सुशांत सिंह मृत्यु मामलें प्रथम दिन निजर खोला खोली मंतव्य दे आसुवा कंगना रानावत वर्तमान शिवसेना सरकार आक्रोशर शिकार होती। गत काली कंगना को पीओके ट्वीट को नहीं भड़की शिवसेना मुखपात्र संजय राउत एवं एहा परे से कंगना को मुंबई न फेरंतु बोली एक विज्ञप्ति रे कहिथिले। सुशांत मृत्यु मामलार सीबीआई जांच आरंभ होबा परे बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को उपरे एक प्रकार चाप सृष्टि होइछि एवं निजर खोला खोली मंतव्य को नहीं चर्चित कंगना रानावत निशाना रे आसिछंती। ये जो कंगना बोल रही है ये लड़की जी सर ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने के साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है जी सर। इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है। बाप की भाषा करते हो तो ठीक है यार, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। अभिनेत्री कंगना रानावत एक ट्वीट माध्यम रे शिवसेना सांसद संजय राउत को उपयुक्त उत्तर देछंती। यहां पूर्वरु से मुंबई को पीओके सहित तुलना करी अनेक समालोचनार सम्मुखीन होइथिले। वर्तमान एक नुआ ट्वीट माध्यम रे कंगना मुंबई आसीबा को घोषणा करिछंती। सेप्टेम्बर 9 रे कंगना मुंबई आसीबे से स्पष्ट शब्द रे कहिछंती जे जदि कहार साहस थाए तांकु बंद करिके देखांतु। कंगना रानावत ट्वीट रे लिखिछंती अनेक लोक तांकु धमक देउछंती जे से मुंबई आसी परिबे नाही, किंतु वर्तमान से निष्पत्ति नैछंती जे से शीघ्र मुंबई फेरिबे। सोशल मीडिया रे कंगना रानावत को ट्वीट वायरल होईछि। अभिनेत्री को एही जवाब दर्शाउछि जे से संजय राउत को सीधा सड़क चैलेंज करिया को चाहूछंती। वर्तमान कंगनांकर एही विवृति विवाद घेर रे रहिछि। बॉलीवुड रा सेलिब्रिटी और अनेक राजनेता मध्य अभिनेत्री वक्तव्य को नहीं आलोचना और समालोचना आरंभ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।